वेलकम टू ऑल, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं कौटिल्या इन। इस वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेठ के क्या प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेठ्स, यानी इसको प्रॉपर्टीज ऑफ सेठ्स भी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि कम्यूटेटिव लॉ। कि कम्यूटेटिव लॉ क्या है? तो कम्यूटेटिव लॉ कहने का मतलब है कि कोई सेठ ए है, ठीक, और बी है, यानी देयर आर टू सेठ, मतलब गिवेन है। तो ए के साथ, ए और बी का यूनियन कीजिएगा, यानी ए को पहले रखकर यूनियन कीजिएगा। तो अगर आप चाहे जो आप चाहे तो बी को पहले रखकर ए के साथ यूनियन कीजिएगा, दोनों राइट होगा, मतलब दोनों बहुत सारे करेक्ट होगा। और देखिए ए और बी का अगर इंटरसेक्शन करते हैं, ए और बी का आप इंटरसेक्शन करते हैं, अगर अगर मन आपका मन है तो आप बी को पहले रख दीजिए और ए के साथ इंटरसेक्शन कीजिए तो भी सही है। तो इसको देखते हैं कैसे। तो अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, यानी वेन डायग्राम के अनुसार देखते हैं कि मेरा ये जो कथन है वो सही है या गलत हो। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ए और बी का वेन डायग्राम पहले बनाते हैं। तो मान लीजिए ए कोई है ऐसे, बी का साइड हो गया, यानी ए हो गया, बी हो गया। यूनियन का मतलब क्या होता है कि सबको ले लेना है, यानी सबको इंटरसेक्शन हो और बी का भी जो पार्ट आ रहा है वो सबको मतलब कलर कर देंगे, वो हो गया यूनियन। तो ये क्या किया हमने कि ए और बी का यूनियन कर दिए। अगर मान लीजिए बी और ए का भी यूनियन करते हैं तो बी को भी रंगते और ए वाला पार्ट को भी रंगाता, मतलब कलर किया, मतलब रंगाता, कलर होता। तो ये यानी बहुत हार करेक्ट। अगर इंटरसेक्शन पर देख लेते हैं तो इंटरसेक्शन में देखिए ए है बी है, इंटरसेक्शन कीजिएगा ये मतलब ए को बी के साथ इंटरसेक्शन कीजिए या बी को ए के साथ इंटरसेक्शन कीजिए, बहुत हार करेक्ट। अगर हम लोग चाहें तो एक और तरीका है उसको प्रूफ करने के लिए। देखिए सबसे पहले हम लेट मान लेते हैं, लेट एक्स कोमा, लेट मान लेते हैं एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू, नहीं नो नो गलत हो गया, ये लेट मान लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। देखिए और एक बात जान लीजिए, इसको तो हमने पिछले वाले वीडियो में जाना था कि मतलब इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इफ एंड ओनली इफ। तो देखिए, तो कहने का मतलब है, देखिए एक और बात आप लोग जान लीजिए कि यूनियन जहां रहे तो हम लोग और का प्रयोग करेंगे और इंटरसेक्शन जहां रहे हम लोग एंड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे यूनियन है तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, तो इसको अलग अलग लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए, हम अभी बताया है कि यूनियन जहां रहे उसके लिए हम और का प्रयोग करते हैं, और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो चलिए और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि बी को, यानी एक्स बिलोंग्स टू जो बी है उसको हम पहले ला सकते हैं और एक्स बिलोंग्स टू ए को बाद में ला सकते हैं, यानी एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए। आप बताइए इसमें से एक्स बिलोंग्स टू और का मतलब क्या होता है, यूनियन बी यूनियन ए हम कर सकते हैं, ठीक। इसलिए क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। कहने का मतलब है कि ए को बी के साथ यूनियन कीजिए चाहे बी को ए के साथ यूनियन कीजिए, बहुत हार राइट करेक्ट, ठीक। अगर यहाँ पे देखना चाहे हम इंटरसेक्शन वाली बात, तो इंटरसेक्शन वाली भी ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि भाई एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, हम अभी बताया है कि अभी बताया हमने कि इंटरसेक्शन के लिए एंड का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, फिर इधर मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। अब इसमें से हम एक्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू, हम अभी बताया है कि एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। आप इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं, या ये इस तरह से भी आप प्रूफ कर सकते हैं वेन डायग्राम के माध्यम से, यानी वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी मतलब वेन डायग्राम के लिए स्पेशल वीडियो मतलब ऑलरेडी इस चैनल पे मतलब कि अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक। चलिए इसमें आते हैं, सेकेंड आता है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में मतलब कि बोलता है कि ए और बी और सी, यानी देयर आर थ्री सेट्स गिवन है, यानी तीन ठो कोई सेट है ए बी सी। तो ये बोल रहा है कि भाई ए और बी का यूनियन कीजिएगा
और बाद में सी के साथ यूनियन कीजिएगा, तो वो जो इक्वल होगा ना कि ए को बी को सी के साथ यूनियन कीजिए और बाद में ए के साथ यूनियन कीजिए तो वो इक्वल हो जाएगा। तो इसको पहले चेक कर लेते हैं वेन डायग्राम के अनुसार, देख लेते हैं क्या कर रहा है। ए है, बी है, सी है, यानी इसको मान लिया हम ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। तो कह रहा है इस सभी का यूनियन करने के पहले बी ए यूनियन बी कीजिए, तो चलिए ए यूनियन हमने बी किया, ए यूनियन बी आया। उसके बाद सी से इसको भी यूनियन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा सी से यूनियन करेंगे तो इस तरह से आएगा, नहीं अलग कर देते, अपोजिट कर देते, यानी कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो देखेंगे ये यूनियन, यूनियन है ना, तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि जहां 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 कलर किया हुआ है वो सभी भाग यूनियन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट जो देख रहे हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया ए यूनियन बी और बाद में सी के साथ यूनियन करने पर। अब मान लीजिए इसको देखते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं क्या है, ए बी सी। ये बोल रहा है कि भाई बी यूनियन सी कीजिए, इसमें देख लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं नीचे में कि भाई ए यूनियन बी है और बाद में यूनियन सी है, इसमें देख लेते हैं ये किस काम बनाने जा रहे हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें बोल रहा है पहले कि भाई ए बी यूनियन, देखिए एक और बात जान लीजिए, ब्रैकेट में और दिया रहा है मतलब ब्रैसेस के अंदर में कुछ यूनियन चाहिए या इंटरसेक्शन दिया हो तो उसके पहले मतलब कि उसको पहले हम कर लेते हैं काम। तो बी यूनियन सी दिया हुआ है, उसके बाद में यूनियन ए के साथ करना है, तो बी यूनियन सी यानी बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, ये नहीं करना चाहिए, ये बी यूनियन सी हो गए आपके, ठीक। और कह रहा है कि ए के साथ यूनियन कीजिए, तो ए के साथ यूनियन करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए और एक बार जान लीजिए। तो यूनियन, यूनियन में जो हम देखते हैं कि एक भी लाइन होगा ना, एक भी लाइन वाला जो कलर किया होगा वो सब आ जाते हैं यूनियन में। तो इसमें भी क्या ग्राफ बन रहा है कि ये ऐसा ही ग्राफ इसमें भी है, ऐसा ही ग्राफ इसमें भी, यानी बहुत हर करेक्ट, यानी बहुत इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यानी ए यूनियन बी कीजिए और बाद में यूनियन सी कर दीजिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अब सेकेंड में देखते हैं, इसको देख लेते हैं, इसमें क्या करा कि भाई देखिए सबसे पहले आप ए और बी को यूनियन कीजिए, तो पहले तीन को मतलब साइडों बना लेते हैं, तो ए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो बोल रहा है ए और बी का इंटरसेक्शन कीजिए, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि ए और बी का इंटरसेक्शन तो कर लिए और इसको जो है ना सी के साथ इंटरसेक्शन कीजिए, तो हमको लग रहा है सी के साथ इसको इंटरसेक्शन करेंगे तो यही कॉमन पॉइंट आएगा, यही इसका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, अब फिर इंटरसेक्शन करना है सी से, तो यही बीच वाला आएगा आपका भाग। चलिए इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि भाई देखिए बी इंटरसेक्शन सी कीजिए, तो बी इंटरसेक्शन सी हमको लग रहा है यही होगा। अब कह रहा है ए के साथ इंटरसेक्शन कीजिए, तो ए वाला पार्ट ये है, इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला है, इसमें भी यही भाग हो गया, इसमें भी बीच वाला भाग आ गया, इसका मतलब बहुत हर इक्वल, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, और देख लेते हैं अगर इस तरह से हम प्रूफ करना चाहें तो उस तरह से भी हम कर सकते हैं प्रूफ। तो देखते हैं कि क्या कर रहा है, मतलब कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हम मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। चलिए इफ एंड ओनली, तो हमने बताया कि देखिए आपको मानना है तो यूनियन के लिए और का प्रयोग किया जाता है, इंटरसेक्शन के लिए एंड का प्रयोग किया जाता है, तो एक्स बिलोंग्स टू पहले इसको लिखते हैं, बाद में उसको तोड़ेंगे उन्हें जाने उधर जाने के बाद। तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक। और देखिए इसको तोड़ लेते हैं अंदर, इसको भी एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। देखिए अब हम लोग जो है ना इधर उधर कर सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बी यूनियन सी चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि ठीक तो है, इधर उधर करने की जरूरत क्या है, तो इसमें एक्स बिलोंग्स टू ए को रहने देते हैं और एक्स बिलोंग्स टू और है तो इसमें बी यूनियन सी हम आराम से कर सकते हैं। चलिए इसमें देखिए आप, अब इसमें एक्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक।
चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए ये क्या है, मतलब कि ये आ गया मेरा इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि ये और ये इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसलिए ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन होगा, सॉरी यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा मतलब साफ करते हैं, आप मतलब कि वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं इसको, इसको मतलब अगर नहीं लिखे है तो इसको वीडियो के वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, तो इसको थोड़ा साफ करते हैं। चलिए चलिए इसका आप प्रूफ देखते हैं, प्रूफ जानते हैं इंटरसेक्शन वाला का। तो इंटरसेक्शन में इसको भी मान लेते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो चलिए इसमें इफ एंड ओनली एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए हमने बताया कि इंटरसेक्शन के लिए एंड का प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ना रहने देते हैं, अब इसको रहने देते हैं, बाद में निकालेंगे ब्रैकेट से, एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। चलिए इसमें निकालते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। अब क्या करते हैं, हमको चाहिए क्या, ए इधर चाहिए, तो हम ए को रहने देते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू, इसमें क्या है एंड एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए अब क्या करते हैं, एंड है फिर भी, अब क्या हो जाएगा इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कोई दिक्कत, तो आपको ये समझ में आए होंगे। उसके बाद देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, कहने का मतलब है कि भाई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है ना, इसका मतलब है कि भाई देखिए इसको अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो ए ए को ए का यूनियन पहले बी के साथ कीजिए, उसके बाद इंटरसेक्शन फिर ए का यूनियन सी के साथ कीजिए। देखिए वहां पर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि भाई ए का यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन बी ए का यूनियन सी के साथ, इसमें देखते हैं मतलब कि इंटरसेक्शन के लिए इंटरसेक्शन पहले रहे तो ए का इंटरसेक्शन पहले बी के साथ करेंगे, उसके बाद यूनियन फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे, तो इसको प्रूफ जानते हैं वेन डायग्राम से। पहले क्या बोल रहा कि भाई बी इंटरसेक्शन सी पहले लिख लेते हैं, ए बी सी बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी हमको लग रहा है ये होगा। अब कह रहा है कि इसको जो है ना ए के साथ यूनियन कीजिए, तो ए के साथ यूनियन ये हो जाएगा, ये ना ये है पूरा ए, और यूनियन का मतलब होता है कि जो सेट दिया हुआ वो और जिसके बारे में बोल रहा है वो सभी को लेके चलना होगा, वही यूनियन होता है। तो देखिए ए मतलब बी इंटरसेक्शन सी दे रखा था और यूनियन ए के साथ करना था, बी इंटरसेक्शन सी लिए है और जो सेट के यूनियन करना था उसको भी लेके चले हैं, तो यानी ये मेरा भाग हो गया यूनियन का, इतना ही भाग मेरा हो गया। चलिए देखते हैं इसमें ये किसका है, ये जो है ना ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का है। चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट, इसको ए बी सी, तो इसमें क्या बोल रहा है कि भाई ए और बी का इंटरसेक्शन कीजिए, तो ए और बी भले यूनियन कीजिए, सॉरी यूनियन कीजिए, ए और बी का यूनियन क्या हो जाएंगे, ए और बी का यूनियन ए हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद बोल रहा है कि भाई ए और सी से इंटरसेक्शन कीजिए, तो पहले ए और सी के यूनियन कर लेते हैं, तो ए और सी का यूनियन क्या हो जाएगा ऐसे, तो आपको दिख रहा है इंटरसेक्शन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, इसका इसका, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि लाइन पर लाइन यानी कि कलर कर रहे हैं, तो कलर करने के बाद जो कलर एक दूसरे के ऊपर टच करे वही हो जाता है इंटरसेक्शन वाला पार्ट। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टच किया हुआ है, ये कलर एक दूसरे को टच कर रहा है, तो ये हो गया इंटरसेक्शन वाली पार्ट, तो दोनों इक्वल है, यहाँ पे भी वही हाल है, यहाँ पे भी वही हाल है, तो इक्वल है, तो ये किसका है कि भाई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी ए यूनियन सी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट में बोला है, तो इसको भी देख लेते हैं, फिर इसको मैं ये देते हैं, चलिए इसमें देखते हैं, बोल रहा है कि भाई ए इंटरसेक्शन में निकालने का मतलब बी यूनियन सी कीजिए, तो बी यूनियन सी
सी कर लिए और ए के साथ इंटरसेक्शन कीजिए, तो ए के साथ हमको लग रहा है इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक साथ ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट पहले ए को कॉल कर लीजिए, एक दूसरे पर चार हुआ पार्ट क्या है ये वाला, यानी ये ये और ये है ना, ये यानी ये इसका पार्ट है। इसको देखते हैं, अब कह रहा है भाई ए इंटरसेक्शन बी कीजिए, ए इंटरसेक्शन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी ये आएगा। अब बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी कीजिए और ए इंटरसेक्शन के सी के साथ यूनियन कीजिए, तो ए इंटरसेक्शन सी कहाँ है, ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ये है, दोनों का यूनियन करना है। यूनियन का मतलब है कि मतलब जो एक भी लाइन होगा दो भी लाइन होगा उस सबको लेके चलना है, तो यही हो गया आपका पार्ट, तो सेम टू सेम तो है, सेम टू सेम तो है, यहाँ पे जो भाग यहाँ पे है यहाँ पे भी वही भाग है, तो इसका मतलब दोनों बहुत हार इक्वल हो गया। ठीक, तो और भी तरीका है इसको, और भी तरीका से प्रूव कर सकते हैं, तो इसको आप मतलब कि वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए, तो देखते हैं दूसरा सेकंड तरीका। ठीक है, देखिए सेकंड तरीका में क्या करते हैं, हम एक्स मान लेते हैं, एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको क्या करेंगे कि भाई एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। चलिए इसमें क्या हो जाएंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, क्योंकि इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन के लिए एंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन मतलब बी के साथ यूनियन करते हैं और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एट एंड एक्स बिलोंग्स टू ए और है एक्स बिलोंग्स टू सी, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे कि एक्स बिलोंग्स टू ए और का मतलब यूनियन, यूनियन बी और एंड, एंड का मतलब इंटरसेक्शन तो रहने दीजिए, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन होता है एंड का मतलब, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए ए यूनियन सी, इसलिए क्या हो जाएंगे आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो अब देखते हैं ये मतलब कि ऊपर वाला तो आप मतलब उतार ही चुके होंगे, तो ऊपर वाला को मतलब साफ कर देते हैं। चलिए देखते हैं अब इंटरसेक्शन ये वाला देखते हैं अब इसका, तो इसमें बोल रहा है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो देखिए इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक, चलिए तो क्या करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन का मतलब एंड, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन नहीं है सॉरी, यूनियन होगा, यूनियन यूनियन होगा, तो क्या हो जाएंगे कि बी यूनियन सी। ठीक है, इसमें क्या बन जाएंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, इसमें क्या हो जाएंगे कि भाई देखिए एक इससे पहले हमको इसको करना पड़ेगा एंड, और इससे एंड करना पड़ेगा पहले इससे, और बीच में और ही रह जाएगा, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या हो जाएंगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी और एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। चलिए इसमें देखते हैं क्या हो जाएंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए और का मतलब यूनियन होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स बिलोंग्स टू एक्स सॉरी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसलिए क्या हो जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।